वो एक बार कोर्ट गई। कोर्ट पहुंचकर बेल के साथ बाहर आई। वो पहली और आखिरी बार कोर्ट गई थी, क्योंकि वो देश के पहले और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन थी, क्योंकि वो मुंबई की गॉड मदर थी, क्योंकि वो हसीना पारकर थी। अब उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें श्रद्धा कपूर हसीना तो उसके भाई सिद्धांत दाऊद का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म चर्चा में है, श्रद्धा चर्चा में है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं उस हसीना की कहानी। अप्रैल 2007 में एक FIR दर्ज होती है। गार्डन हॉल अपार्टमेंट में उनके घर और आसपास भीड़ जमा होती है। वहां पर लोग बात कर रहे हैं, आपा लौट आएंगी, आपा के पास भाई है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वहां खड़े जिस शख्स को भी आप निगाह भर के देख लेंगे, वही अपने हिस्से की आपा सुनाने लगता था। इलाके में ही मोबाइल की दुकान चलाने वाला एक लड़का बताता है, साल भर पहले मेरी बहन एक आदमी के साथ भाग गई थी, आपा ने उस आदमी को धमकाया और मेरी बहन वापस आ गई। ये कहानी है मुंबई की गॉड मदर, जिसे सब आपा कहते थे। 1959 में पैदा हुई हसीना दाऊद से छोटी और 10 भाई बहनों में सातवें नंबर पर थी। इब्राहिम कास्कर के ये सारे बच्चे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ डी कंपनी शुरू की थी। दाऊद की 4 बहनें थी, सईदा, फरजाना, मुमताज और हसीना। लेकिन उसके धंधे में उसकी किसी बहन के लिए जगह नहीं थी। हसीना के धंधे में आने की एक कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उसके पति की हत्या मुंबई में हुई और उसके पति की इस हत्या ने उसे बना दिया गॉड मदर। दाऊद के अपराधों ने उसे 80 के दशक में ही भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन वो बाहर बैठकर मुंबई चला रहा था। प्रोडक्शन मनी वसूलना, मर्डर और दूसरे गैरकानूनी धंधे दाऊद का सबसे बड़ा काम था। उसकी देखा देखी और भी बहुत सारे गैंगस्टर पैदा हुए, जिनके आपसी गैंगवार ने मुंबई की सड़कें खूब लाल की। 90 की शुरुआती में दाऊद के निशाने पर ब्रा गैंग यानी बाऊ रश्मि, रमा नाइक और अरुण गवली थे। इसका मुखिया था रमा नाइक। अरुण गवली उस समय गैंग का तीसरे नंबर था। रश्मि और नाइक के मरने के बाद गैंग की कमान गवली के हाथ में आ गई। 1990 के आसपास दाऊद गवली ने शूटर्स को चुन चुन कर मरवा दिया। दाऊद मजबूत था, उसका सिंडिकेट बेहद ऑर्गेनाइज था। ऐसे में गवली गैंग को कोई सिरा मिल ही नहीं रहा था जिसे पकड़कर वो दाऊद तक पहुंच सके। इसी सिलसिले में जब दाऊद ने अरुण गवली के भाई पापा गवली को मरवा दिया, तो अरुण और उसका गैंग टूट गया। मुंबई के गैंगस्टर्स का एक नियम था, दुश्मनी अपने बीच, घर वालों के बीच नहीं। आप उसे कैसे भी निपटाएं, पैसे का मामला हो या ताकत का, आप सामने वाले के घर वालों पर हाथ नहीं डालेंगे। पुलिस भी इस नियम का पालन करती थी, लेकिन गवली ने यह नियम तोड़ा। जब वो दाऊद और उसके कुर्गों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो उसने हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी। इस्माइल से हसीना की शादी तब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी। इस्माइल जूनियर फिल्म आर्टिस्ट था, लेकिन बताते हैं कि बाद में उसने होटल का धंधा किया। नागपाड़ा में जहां हसीना रहती थी, उसी इलाके में इस्माइल का एक होटल था। 26 जुलाई 1991 को हत्या वाले दिन इस्माइल दोपहर से अपने होटल के काउंटर पर बैठा था, तभी कार में कुछ हथियारबंद लोग आए और इस्माइल को भूनकर चले गए। दाऊद के जीजा का कत्ल हो चुका था, अब उसकी बारी थी। इस्माइल की हत्या के दौरान दाऊद गैंग में उथल पुथल मच गई। दाऊद के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उसे राजन के बारे में सोचने को कह रहे थे, लेकिन उसके मुताबिक राजन सिंडिकेट के अंदर एक सिंडिकेट चला रहा था और एक दिन गैंग पर कब्जा कर सकता था। दाऊद इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो राजन के खिलाफ बोलने वाले सुनील सावंत उर्फ सोत्या
और छोटा शकील ने दाऊद से कहा कि अगर राजन वफादार है तो उसने इतने दिनों बाद भी इस्माइल का बदला क्यों नहीं लिया। जब दाऊद ने राजन से पूछा तो राजन ने कहा कि इस्माइल के हत्यारे जेजे हॉस्पिटल में टाइप सिक्योरिटी के बीच में एडमिट हैं, उनके बाहर आते ही उन्हें मार दिया जाएगा। श्रोत्या और शकील ने मौका लपक लिया। उन्होंने दाऊद से कहा कि वे इस्माइल का बदला लेना चाहेंगे। दाऊद ने इजाजत दे दी और उन दोनों के पास दाऊद की नजरों में ऊपर उठने का ये एक अच्छा मौका था। इस काम के लिए उन्होंने यूपी के गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और उसके दो करीबी शूटर बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को अपने पास हायर किया। सबको ऑटोमेटिक हथियार दिए गए। यह पहली बार था जब किसी शूटआउट में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। 12 सितंबर 1992 को शूटआउट के कुछ घंटे पहले ही रेकी की गई, फिर हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हलकदर को मार दिया गया, जिस पर इस्माइल की हत्या का शक था। रेकी करने वाले ये नहीं जान पाए कि एक और शख्स बिपिन शेरे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था, वरना वो उसे भी मारने वाले थे। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड वाले पुलिस की दुश्मनी से बचने के लिए पुलिस वालों पर हमला नहीं करते थे, लेकिन ये हमला इतना बड़ा था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस्माइल का बदला लेने के बाद हसीना अपनी नई मांद नागपाड़ा के गार्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। यहां उसे जो घर पसंद आया था उसने उसका ताला तुड़वा कर रहना शुरू कर दिया और किसी ने उससे शिकायत भी नहीं की। अड्डा जमा और यहीं से हसीना ने अपना क्राइम सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया। दाऊद के भारत से चले जाने के बाद उसकी बेनामी संपत्ति हसीना के नाम आ गई। दाऊद के भारत से जाने के बाद हसीना का काम उसकी 54 बेनामी संपत्तियों की देखरेख करना था, लेकिन खुद धंधे में आने के बाद हसीना को अब इसमें मजा आने लगा और वो एक्टिव हो गई। बेशुमार ताकत, अपने इर्द गिर्द एहसानों से दबे लोग, हर अवैध ट्रांजैक्शन में हिस्सा, मुंबई में हर इमारत बनने से पहले उसकी इजाजत, हसीना को मुंबई पर राज करना भी भा रहा था। वो इसमें डूब चुकी थी। बताते हैं कि दाऊद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार हसीना को मना भी किया, लेकिन हसीना को यह सब करने की जरूरत ही नहीं थी। बहनों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए दाऊद अपनी 4 बहनों को महीनों करोड़ों रुपए भेजता था, लेकिन हसीना को ताकत की लत लग चुकी थी और इसका इलाज अब नहीं था। मुंबई में 2006 में जब स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़े काम जोर शोर पर चल रहा था, तब हसीना ने बिल्डर कृष्ण मिल्क शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्रेश शाह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम क्लस्टर डेवलप करने का प्लान बनाया। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इन तीनों के पास 1 करोड़ और प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी ने पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा और विनोद ने एक डेवलपर जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। जब जयेश ने अपना पैसा वापस मांगा तो विनोद ने उसे 70 लाख रुपए वापस कर दिए, क्योंकि बाकी के 30 लाख रुपए हसीना ने प्रोडक्शन मनी के नाम पर लौटाने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2006 में जब विनोद क्राइम ब्रांच गया तो वहां FIR नहीं लिखी गई। फिर दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए और आरोप लगाया गया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महाबोले राजेंद्र निकम ने शिकायत लिखने से मना कर दिया है और उसके एवज में 10 लाख रुपए मांगे हैं। 21 अप्रैल 2007 को ये केस एंटी एक्सट्रोशन सेल के हवाले कर दिया गया और हसीना पर हुई पहली FIR। ढेर सारे लीपापोती के बाद जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जांच शुरू हुई तो ज्वाइंट कमिश्नर मीरा बोर्नवाकर की तरफ से सफाई आई कि उनके आदमी मामले की जांच कर रहे थे ताकि पुख्ता जानकारी के बाद शिकायत दर्ज की जा सके। हालांकि 4 महीने की जांच में क्या मिला इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। 21 अप्रैल को FIR के बाद हसीना फरार हो गई तो सेशन कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए हसीना को किसी भी हाल में 16 मई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए। हसीना का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसे पुलिस एक्शन का पता चलने लगा और वो फरार हो गई। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जब हसीना के ठिकानों के बारे में पूछा तो वो हड़बड़ाते हुए कहते थे कि गवाह छोड़िए, कोई इन्फॉर्मर उसके बारे में खबर नहीं देना चाहता। पुलिस इंटरसेप्शन से डर से वो खुद दाऊद से संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन बताते हैं कि उसके पास मैसेंजर का एक नेटवर्क था जो दोनों के टच में आपस में बनाए रखता था।
2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन आशंका जताई जाती है कि इससे पहले वो देश से बाहर दाऊद से कई बार मिली। इंडिया टुडे की 2007 में एक रिपोर्ट आई थी, इसके मुताबिक हसीना इलाके में होने वाले हर अवैध धंधे के इन्वॉल्वमेंट होती थी। मुंबई में जितने भी संदेहास्पद ट्रांजैक्शन होते थे, हसीना का उसमें हिस्सा होता था। इन पैसों के बदले वो लोगों को कानूनी पचड़ों से प्रोटेक्शन देती थी। एक वक्त था जब मुंबई में सरकारी इमारत भी हसीना की इजाजत से बनती थी, उसमें भी हसीना का हिस्सा होता था। लोग अपने विवाद लेकर हसीना के पास आते थे और वो उन्हें सुलटा देती थी। इसके बदले वो मोटी रकम वसूल करती थी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों से उनकी जगह अपने प्लॉट डेवलप करने की परमिशन लेने के लिए मुंबई के ढेर सारे बिल्डर हसीना के पास आते थे। SRA प्लॉट्स में अंडरवर्ल्ड का इतना दखल हो गया था कि कोर्ट को 247 SRA मामले में जांच का आदेश देना पड़ा था। हालांकि 2007 में इनमें से सिर्फ 11 मामलों की जांच शुरू हुई थी। बॉलीवुड फिल्मों में ओवरसीज राइट्स हासिल करना हमेशा से अंडरवर्ल्ड की फैंटेसी रही है। हसीना इन्हीं राइट्स के लिए मोल भाव करती थी, खासकर उन फिल्मों के लिए जो रूस और खाड़ी देशों में रिलीज होती थी। कथित तौर पर हसीना हवाला रैकेट में शामिल थी, जिसमें भारत से मिडल ईस्ट पैसे भेजे जाते थे और वहां से मंगाए जाते थे। मुंबई में केबल ऑपरेटर्स का झगड़ा बहुत फेमस है। अंडरवर्ल्ड के बाद दूसरे नंबर पर इसी का नाम आता है, जिनमें न जाने कितने मर्डर हो चुके हैं। अपने इलाके में केबल ऑपरेटर अपनी गॉड मदर से मदद मांगने जाते थे। हसीना की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा अवैध वसूली ही था। प्रॉपर्टी और ठेकेदारी से जुड़े विवाद वो पैसे लेकर निपटाती थी। हसीना के परिवार में उसका पति, दो बेटे, दो बेटियां थी। 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की एक बिजनेसमैन से शादी कर दी थी। इसके बड़े बेटे दानिश की अप्रैल 2006 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दानिश धंधे में हसीना का हाथ बटाता था। हसीना का काम ऑर्डर देना और सलीम का काम उसे एग्जीक्यूट करना था। उसके अलावा एक और आदमी था, सलीम पटेल, जो हसीना का दायां हाथ था। हसीना के साथ आने से पहले सलीम इस्माइल का ड्राइवर था। हसीना के छोटे बेटे का नाम अली शाह है। 6 जुलाई 2014 को रमजान के महीने में हसीना पारकर को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। हसीना ने उस दिन रोजा रखा था। सीने में दर्द होने के बाद उसे हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इससे पहले वो कई महीनों तक माइग्रेन से जूझती रही। माइग्रेन की वजह से वो अधिकतर वक्त बिस्तर पर रहती थी। लोगों से मिलना जुलना बेहद कम हो गया था। ऐसे में वो खुद सामने मौजूद होने के बाद दाऊद फैमिली के नाम पर धंधा चलाती रही। एक अनुमान के मुताबिक 2014 में हसीना के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। ये थी हसीना पारकर उर्फ आपा।